रेवाड़ी के सती कॉलोनी में देर रात दो पक्षों में हुए मामूली विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में रेवाड़ी के कुतुबपुर में रहने वाले 26 वर्षीय आदित्य नाम के युवक की गोली लगने के बाद उपचार के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में शामिल एक पूर्व सरपंच सहित दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर बाकी आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है, जिनकी संख्या आधा दर्जन से अधिक बताई जा रही है। आजाद टीवी न्यूज के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। शाम को 8:30 बजे प्लान मिलती हुई वहाँ सती कॉलोनी मोड़ पर झगड़ा हो गया। हम पकड़ गए तो वहाँ कोई नहीं थे, जो असलवास के लड़के थे उनके चोट लगी, वो सरकारी अस्पताल में ट्रामा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो ट्रीटमेंट का नाम उसके बाद उनकी वहाँ से अमला प्राप्त करी और ध्यान लेने के लिए गया तो भाई वो लंबा शूटिंग कर। फिर उसके बाद 10:30 बजे बताया तेरा झगड़ा होया, हमारे पास आदित्य शामली अस्पताल से टेलीफोन प्राप्त हुआ, चौकी कर रही एक आदमी की गोली लगने से मौत हो गई। इसी तला पर हम में पहुँचे, वहाँ पर मुख्य पर हुआ महेश कुमार सोनापुर कमचंद ने अपने नीचे कंप्लेन दी। भाई ने दो हैं, एक सरपंच आशीर्वास, एक भाई ने और 5-7 आदमी। ये मरने वाला कहाँ का था? ये कुतुबपुर कुतुबपुर आदित्य सनौ धर्मेंद्र। तो क्या इनकी पहले की रंजिश थी? अब ये कोई बस श्याम वाला झगड़े की रंजिश के बारे में बात आई है इसी को।